हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इंटेन। नाम निशान चाहर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। हमने लास्ट वाली वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन अप्रोच समझ ली थी कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक सूडो कोड छोटा सा लिख दिया था, बट उसमें हमने मर्ज का सूडो कोड नहीं लिखा था, वो मर्ज का सूडो कोड भी इसमें लिखने वाले हैं और तुम्हें समझाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम पहले दो फंक्शंस बनाएंगे, एक हमारा मर्ज सॉर्ट और एक मर्ज। अब मर्ज वाले फंक्शन में हम साथ जो हमें ए और बी मिल रहे होंगे उनको मर्ज कर रहे होंगे। एंड मर्ज सॉर्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट को दो बार कॉल कर देना है। ठीक है, तो हम वही पहले लिख लेते हैं। एक हमारा बेस केस होगा, बेस केस, फिर हम कर रहे होंगे मर्ज सॉर्ट कॉल, इसके कर रहे होंगे मर्ज। ठीक है, तो तीन स्टेप्स हैं इस वाले में। पहले हमारा बेस केस क्या होगा, यार एक बात सोचो, अगर तुम्हारा स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाती है किसी भी सेंस में, दैट मीन्स तुम्हारा जो स्टार्ट की वैल्यू है ये वन है, अगर जीरो से बड़ा है दैट मीन्स कि कोई एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, कुछ है ही नहीं उसका मतलब। तो हम उस वाले केस में क्या करेंगे, उस वाले केस में हम बोलेंगे एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न कर दो। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड विल जस्ट रिटर्न एम्प्टी एरे, एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन और होगी यार, अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे समझा था, ये वाला n इक्वल्स टू 1 वाला बेस केस है, दैट मीन्स स्टार्ट और एंड की वैल्यू सेम है, तो हमें क्या करना है वो एलिमेंट रिटर्न कर देना। ठीक है, तो इफ स्टार्ट इज डबल इक्वल्स टू एंड, तो हमने क्या करा है यहाँ पे एक वेक्टर में नर्म्स ऑफ स्टार्ट एक इंट होगा, ठीक है, एक इंटीजर होगा, हमने उसको बोला कि जाओ और कर दो। इसके बाद एक स्टेप और था, हम चार स्टेप्स होते हैं हमारे यहाँ पे मिड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो बेस के स्मॉल कैलकुलेशन एंड रिकर्सिव कॉल, वही हमारी तीन चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जो हमारे रिकर्जन में हो रही थी। मिड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यार, इंट मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई टू। अब इसको हम जनरली क्या लिखते हैं जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू कर देते हैं, राइट। हम ये इसलिए नहीं करते क्योंकि जब स्टार्ट और एंड की वैल्यू मतलब इंटीजर की रेंज से बाहर चली जाए, बहुत बड़ा एंड है और स्टार्ट भी कुछ है, दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर की वैल्यू से ओवरफ्लो हो सकती है, बाहर जा सकती है, तो हमें एरर आ जाएगा एक। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, जो हमने लिखा हुआ है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई मिड, तो ये तुम्हारा वही आ जाएगा जो हमने अभी वहाँ लिखा हुआ है। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया ताकि कभी हमें कोई एरर ना आए। नेक्स्ट हमें क्या करना है यार, तो नेक्स्ट हमने क्या करा, हमें अपना मिड मिल गया, हमने एक बार इस नम्स पे स्टार्ट और मिड पास कर दिया और मिड प्लस वन और एंड पास कर दिया और दो इसमें ले लिया हमने, एक हमारा वेक्टर का नाम ए, एक वेक्टर का नाम बी है। लास्ट में हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न ही कर देते हैं इसे। ठीक है, हमने बोला मर्ज जा, ए ले और बी ले और अपना काम कर और हमें जो भी अपना आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर दे। सिंपल सीधा, कुछ भी नहीं किया, वही चार चीज़ें हमने जो वहाँ पे सीखी थी लास्ट वाले उसमें, हमने वही चीज़ें करी हैं। बेस केस लिख लिए, मिड कैलकुलेट कर लिया, मर्ज सॉर्ट कॉल कर लिया और साथ में मर्ज को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब नेक्स्ट मर्ज में क्या हो रहा होगा यार, मर्ज में क्या हो रहा होगा, हम एक एक इंडेक्स पे जा रहे होंगे, एक एक इंडेक्स पे हम जैसे हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे थे कि यार इस इंडेक्स पे हमने कंपेयर किया, इस इंडेक्स पे हमने कंपेयर किया, उसके बाद इसके इस वाले इंडेक्स से कंपेयर किया, फिर अगर जो भी छोटा उसको हमने न्यू वाले एरे में डाल दिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले साइज़ निकाल लेते हैं। साइज़ ए तुम्हारा हो जाएगा, ए और बी का साइज निकाल लिया। अब हमें आइट्रेटर चाहिए होगा एक, ठीक है, एक आइट्रेट करने के लिए कुछ चाहिए, तो आई इज इक्वल्स टू जीरो लिख लिया और हमने इंट जे इज इक्वल्स टू जीरो लिख लिया, आई जे ही लिख रहे होते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक वाइल लूप, इससे पहले हमें एक आंसर वेक्टर चाहिए होगा, इसके हम अंदर हम सब कुछ डाल रहे होंगे। अब हमें क्या चाहिए होगा, एक वाइल लूप चाहिए होगा, हम वही चीज़ कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि अच्छा ये वाला छोटा है ये वाला छोटा है, जो भी छोटा उसको डाल दो और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाओ। सिंपली क्या करेंगे हम कि जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है, और तुम क्या कर रहे होंगे यार, तुम्हारे जब तक i की वैल्यू साइज ऑफ a से छोटी है एंड तुम्हारे j की वैल्यू साइज ऑफ b से छोटी है, तो इस लूप को चलते रहने दो। एंड इसलिए लगाया है कि अगर एक भी ओवरफ्लो करता है तो हम कंपेयर करेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। जैसे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 3 के बाद 3 को प्लस 1 करा तो 4 पे चला गया, 4 पे इस वाले a वाले एरर में ढूंढ रहा होगा कि यार 4 तो कुछ है ही नहीं, तो हमें वो आउट ऑफ बाउंड एरर पकड़ा देगा और हमें एरर वगैरह नहीं चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे एंड कंडीशन लगाई कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही हम करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है, ए का आई अगर छोटा है बी के जे से, तो बस क्या करना है आंसर में डाल दो ए का आई और आई को बोल दो आई एक आगे बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी हो, एल्स कुछ भी अलग हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें आंसर में
पुश बैक कर देना बी ऑफ जे को, और जे को भी हमें वही कर देना कि आगे बढ़ जा, ठीक है। सिंपल सा वाइल लूप लगाया, कुछ भी नहीं किया, आसान काम है एल्स। और तुम सोच रहे हो यार इक्वल टू वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों नंबर सेम है तो दोनों नंबर सेम है तो कुछ भी कर लो यार, या चाहे तुम यहाँ पे इक्वल टू लगा लो और ए को पुश कर दो या बी को पुश कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने बी में ही बी को ही पुश कर दिया है। अब ऐसा हो सकता है ना कि हमारा एक एरे तो कंप्लीट हो गया बट दूसरा कंप्लीट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एंड कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, जब तक आए तुम्हारा साइज ए से छोटा है, हम बोलेंगे यार आंसर में तू ए के सारे एलिमेंट्स को डाल दे और आई को आई प्लस वन कर दे। अब तुम्हें पता है वाइल में जब कंडीशन सैटिस्फाई होती है, जब भी हम लूप में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर वाइल में कंडीशन ही सैटिस्फाई नहीं होगी तो हम कभी इस लूप में जाएंगे नहीं, अगर आई छोटा है ही नहीं तो लूप में जाएंगे ही नहीं, तो ये कभी इसमें आएगा नहीं, तो इसमें इफ विफ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमें एक सेम चीज़ करनी होगी और बस एंड में क्या करना है, रिटर्न कर देना अपने आंसर को। तो हमने आइट्रेटिव लिखा है पूरा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर एंड फिल आंसर वेक्टर एड रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए और एड रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बी, ठीक है। हमने अपना पूरा सॉर्ट फंक्शन लिख लिया, अभी बस हमें क्या करना है, इसको हमें कॉल कर देना, ठीक है, और बस रिटर्न कर देना मर्ज सॉर्ट, 0 हमारा स्टार्टर एंड माइनस 1 हमारा एंड है, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट वाला इंडेक्स 0 वाला है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 7 तक जाएंगे। तुमने वही करा, इसको रन करके देखते हैं, तुम देखोगे ये एरे गिवन था और इससे हमारा ये आंसर आ गया। हम क्या करते हैं, अपना वाला टेस्ट केस खुद डालते हैं, तुमने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ पे हर जगह ना प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देते हैं और देख लेते हैं कि कौन से हर बार कौन से हमारे पास एरे आ रहे हैं, ए और बी क्या है हर कॉल में, और बस इसको प्रिंट करके रन करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक प्रिंट वाला फंक्शन बना लिया जो बस प्रिंट कर रहा ताकि मैं बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े, और यहाँ पे लिख दे स्टार्ट और एंड ताकि मैं पता चल जाए कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है, प्रिंट ए बी कर दिया, बस हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये खतरनाक सा कुछ आ गया है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। तो अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से, तो हम क्या करते हैं इसको अपने आंसर के पास ले जाते हैं और वहीं से समझते हैं। तो अब तुम ध्यान से देखो तो कुछ नहीं हो रहा, हमने क्या करा था यहाँ पे, पहले तुम्हारा स्टार्ट और एंड प्रिंट करा दिया था, स्टार्ट और एंड प्रिंट कराने के बाद हमने ए और बी को प्रिंट कराया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टार्ट है, ये तुम्हारा एंड है, स्टार्ट और एंड प्रिंट हो रहा है 0 और 1, फिर हमारा ए और बी प्रिंट हो रहा है 3 और 7, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है तुम्हारा आंसर प्रिंट हो रहा है मर्ज होने के बाद क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे 2 और 3 पे, 2 और 3 पे क्या हो रहा है, 2 और 3 पे फिर से 2 और 61 होगा वो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये सॉर्ट होने के बाद ये प्रिंट हो जा रहा है, फिर 0 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो 0 से 3 तक को हमने पूरे को मर्ज करा, 0 से 3 को मर्ज करेंगे तो हमारा ए ये है, बी ये है, और ये हमारा जो आंसर आएगा मर्ज होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे 0 और 4 और 5 पे, 4 और 5 51 है, मर्ज करके हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली 6 और 7 में क्या होगा, सेम चीज़ होगी, 5 और 7 आ गया, इन दोनों को मर्ज करके जो आएगा हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अभी तक ये हमारा बी बन गया और ये हमारा ए बन गया, अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये ए है ये बी है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। वही सेम चीज़ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी, 4 स्टेप्स और एंड में मर्ज। इसको तुम खुद एक बार ड्राई रन करके देखना, तुम्हें बिल्कुल ए टू जेड अच्छे से समझ आएगा मर्ज सॉर्ट में हो कह रहा है, बहुत ही सीधी इंप्लीमेंटेशन है। इसमें हम काफ़ी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसे, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एरेज वगैरह डिफाइन करे हैं, हमें एरेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम उसी सिंपल एरे में जो हमें गिवन है, जो वेक्टर गिवन है उसी में हम सॉर्ट कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है, तुम खुद ट्राई करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा मर्ज सॉर्ट, एंड इतना ही दस वाले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।